कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्तास्य कामादितरंगमध्ये वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शरी श्री गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराधितम गुरुपाद पद्मनिष्ठपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमान भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज एवं तेरा भविष्य विष्णुपाद अष्टोत्तर सत सबको हरे कृष्णा। आज आप लोग बता सकते हैं आप लोग ये जो प्रोग्राम आयोजन हुआ है किस उपलक्ष्य में हुआ है? किसकी यहाँ एक तिथि नहीं है, तीन चार हमारे जो गुरुवर्ग हैं उनकी तिथियाँ पालन है। एक तो हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत पन महाराज जी है उनके आविर्भाव तिथि पालन कर रहे और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी हमारे प्रभुपाद जी जिनकी तिरुवा तिथि अभी भी गया वो तिरुवा तिथि पालन कर रहे। माता जी एक मिनट पांच दस मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए जब तक कथा होगा थोड़ा शांति से बैठे। और श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि एवं जो कि 5 तारीख को आ रही है और श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि हम लोग पालन कर रहे हैं। आप ये बताइए हम लोग जिस संप्रदाय से दीक्षित हुए हैं आप सब लोग दीक्षित हैं? आप लोग जिस संप्रदाय से दीक्षित हुए उस संप्रदाय का क्या नाम है? क्या बोल रही हमारे संप्रदाय का क्या नाम है? ब्रह्म मधु गौरीय संप्रदाय। ठीक है, टोटल इस कलयुग में 4 वैष्णव संप्रदाय है, 4 शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है। कौन बता सकते हैं 4 शुद्ध वैष्णव संप्रदाय क्या क्या है आप बता सकते हैं? मतलब श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और लिंबा संप्रदाय। ये सब लोग जानना क्यों आवश्यकता है? ये सब लोग हमको हमें ये सब चीज सब वस्तु के विषय में क्यों जानना है? ताकि हमें भी पता लगे हम लोग कौन से संप्रदाय के हैं और जो जो शुद्ध वस्तु क्या है अशुद्ध वस्तु क्या है, दो वस्तु के विषय में जानना जरूरी है। ठीक है ना, जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए तो प्योर इम्प्योर दो चीजें तो आता है, प्योर घी देना प्योर देसी घी देना। प्योर देसी घी के विषय में जानना क्यों आवश्यकता है? ताकि जो इम्प्योर देसी घी है वो भी हम लोग पता लगा सके और इम्प्योर घी खाने से बचे।
स्वास्थ्य का हानिनाक है। उसी प्रकार आजकल इस जगत में इस कलयुग को विशेष करके बहुत सारे संप्रदाय क्या कर रहे हैं, इस हमारे भारत वर्ष में ही है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान की पूजा आदि कर रहे हैं, किंतु ठीक ठीक रूप से कौन कर रहा है, क्या शुद्ध है, किसमें मेरा एनर्जी लगाने से मेरा एनर्जी भगवान के पास जाकर के पहुंचेगा, इसको जानना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो क्या है, मेहनत तो करते हुए चलेंगे, मेहनत हम लोग करते हुए चलेंगे किंतु उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग जो भी मेहनत करते हैं अगर भगवान के लिए कुछ समय देना चाहते हैं और भगवान का अगर कुछ भजन करना चाहते हैं तो भजन ठीक ठीक जगह पे जाकर के पहुंचे, यह भी जानना जरूरी है। इसलिए संप्रदाय के विषय में जानना बड़ा ही आवश्यकता है। और दूसरा, गुरु के विषय में क्यों जानने की आवश्यकता है, गुरु का क्या काम है हमारे जीवन में, ग्रंथ तो पढ़ लेंगे भागवतम, उसके बाद भागवतम जो कि गुरु कहते हैं वो तो भागवत में लिखा हुआ है, कुछ नया तो कहने नहीं, तो गुरु को भागवत हम भी पढ़ लेते, भगवत गीता हम भी पढ़ लेते, भगवान को भगवान पूजा हम भी कर लेते, पहले भी हम कर रहे थे, अब गुरु होने से हमारे क्या क्या अलग होंगे, बहुत कुछ अलग हुआ। गुरु के विषय में शास्त्र में बताया गया कि तद विज्ञानार्थम सब गुरुमेव विज्ञेयः, कोई व्यक्ति गुरु के पास क्यों जानी चाहिए, इसलिए जानी चाहिए तद विज्ञानार्थम, विज्ञान शब्द का यहाँ जो प्रयोग किया गया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र अगर हम लोग पढ़ लेंगे, भगवत गीता भागवत आदि हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ कर क्या कर लेंगे, ज्ञान तो आहरण कर लेंगे, भगवान ने जो बताया वो तो अपने आप से कुछ करके समझ गए, किंतु वो वस्तु हमारे जीवन में कैसे प्रतिफलित होगा, भगवान जो चीज कह रहे हैं तुम ये मेरा भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा, सुन तो लिए लेकिन कराएंगे कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे करनी चाहिए, ये बात कौन बताया। और विशेष करके हमारे जो विज्ञान जो बात का अनुभूति, भगवान जो बात को कह रहे हैं सचमुच मेरा कल्याण हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज का जो अनुभूति है, ये अनुभूति कहाँ से आएगा, वो गुरुदेव से। इसलिए विज्ञान एक होता है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। विज्ञान पता किसे कहते हैं, अनुभूति संपन्न ज्ञान को कहते हैं विज्ञान। किसी ने बता दिया करेला क्या है, कड़वा है, वो तो बता दिया मैं भी सुन लिया ये तो मेरा ज्ञान हो गया, लेकिन कड़वा होता ही क्या, जब तक मैं करेला खाऊंगा ही नहीं तब तक मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कड़वा कहते किसे, है ना, नहीं तो किसी रसगुल्ला को किसी ने खिलाया गया इसको कहते कड़वा, हमें पता नहीं मीठा जैसे कहते कड़वा जैसे कहते, तो रसगुल्ला खाकर क्या कहेंगे, कड़वा कहे, कितने सिखा दिया, तो करेला जब खाएंगे तो क्या बोलेंगे कि मीठा लग रहा है करेला, किंतु वास्तविक बात तो ऐसा है नहीं। इसीलिए कड़वा होता भी क्या है जब हम लोग खाएंगे तब तो पता लगेगा। तो एक व्यक्ति करेला खा कर कड़वा बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बिना करेला खाए कुछ भी सिर्फ शुरू करके कड़वा बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं, बोलने में तो सही, बोलने में तो एक ही शब्द बोल रहे, किंतु उन दोनों का अनुभूति अलग अलग है, एक का तो अनुभूति है ही नहीं दूसरे का अनुभूति हुआ। तो जो भगवत वस्तु की जो अनुभूति कराएंगे वो कौन कराएंगे, श्री गुरुदेव ही कराएंगे। नहीं तो पहले भी हम लोग मंदिर में जाते थे, गुरुदेव से मिलने से पहले भी हम लोग मंदिर में जाते थे, भारत में सब लोग जाते थे और पूजा आदि भी करते थे, किंतु सचमुच भगवान है भी और भगवान का सेवा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है वो सब चीजें कब हुआ, गुरु के जीवन में आने से आने के बाद हुआ, नहीं तो नहीं होता है परिवर्तन। बहुत सारे लोग करते हैं मंदिर में जाते हैं किंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आती, और वास्तविक परिवर्तन कहते भी किसको वो भी नहीं जानते अभी तक, ठीक है ना। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में आना बड़ा ही आवश्यक है। और विशेष करके भगवान क्या किए, उन गुरुदेव गुरुदेव हमें कौन से ज्ञान देते हैं, अपने मन से कुछ चीजें बताते हैं नहीं, गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से जो चीजें सुने हैं वो हमें बताते हैं, उनके गुरुदेव अपने गुरुदेव से जो चीजें सुने हैं वो हमें बताते हैं। इस प्रकार का होकर के भगवान कृष्ण ने जो बात बताया वही बात ही गुरुदेव हमें बोल रहे, कुछ नया चीजें नहीं बोल रहे। और यद्यपि भगवान कृष्ण ने जो बताया है वो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, कि तो अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे अलग सा बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है, भगवान ने कुछ और बोले होंगे हम कुछ और समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप बोलते हैं, एक व्यक्ति एक पत्नी अपने पति को बोलती है, पति पहले तो बोला था कि मैं घर में 8 बजे तक आकर पहुंच जाऊंगा, किंतु कब तक पहुंचा, रात को 11 बजे आने पर पहुंचा, तो पत्नी क्या कहती है, आपको आने की जरूरत नहीं, आप बाहर ही रुको, आप इतने जल्दी आ गया, बड़ा अच्छा काम किया। तो
तो उस बात को सुन करके कोई साधारण व्यक्ति बाहर कोई व्यक्ति को क्या समझेगा कि देखो पत्नी क्या कह रही है, वास्तव में पति जल्दी आ गया तो पत्नी इसलिए खुश हो रही है, आपको इतना जल्दी आ गया बड़ा अच्छा काम किया। किंतु वास्तव में पत्नी क्या कह रही है, अरे इतने जल्दी 3 घंटे लेट आए हो और थोड़ा लेट नहीं आ सकते। तो बात को समझा किसी, जो बाहर की व्यक्ति जो बाहर घूम रहा था ऐसा टहल रहा था, एक पति पत्नी का बात सुन रहा था कि पत्नी जैसा कह रही है खुश होकर के इतने जल्दी आ गए, थोड़ा और भी लेट आ जाते अच्छा होता। तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये व्यक्ति सोच रहा है ये पत्नी कह रही है कि आप इतना जल्दी क्यों आ गए, थोड़ा और दो 1-2 घंटा काम करके बाहर घूम के आ जाते। किंतु पत्नी ये कह रही है, क्या कह रही है, 3 घंटे लेट आए, अरे पहले नहीं आ सकते, लेकिन कह कैसे रही है इतना जल्दी आ गए। किंतु समझेगा कौन, जब उस पत्नी को भावना को जो समझता है, जब वो व्यक्ति इसके मुख से हम लोग सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। उसी प्रकार भगवान जिस बात को कह रहे हैं भगवत गीता में, भगवान का हृदय की भावना को कौन समझेगा, हम समझ लेंगे नहीं समझेंगे। भगवान ने अपना हृदय के बात को जिसको समझाया जब वही बोलेंगे तब जाकर हम लोग समझेंगे। इसीलिए भगवान ने 4 व्यक्ति को बोला है अपने हृदय के बात, किन किन को अभी सुन लेते, 4 संप्रदाय, एक ब्रह्मा जी को, एक लक्ष्मी जी को, एक शिव जी को और एक चतुर्सर। 4 सर जो ब्रह्मा जी जो 4 मानस थे उनको बताया कि मैं क्या चाह रहा हूं, और उन लोगों जो 4 लोगों जो बताया उन 4 लोगों ने फिर अपने अपने शिष्यों को बताना प्रारंभ किया कि भगवान यही चाहते। फिर उन शिष्यों को अपने शिष्यों को बताना प्रारंभ किया भगवान ये चाहते। तो उन जो 4 लोगों बताया उन 4 लोगों से 4 संप्रदाय सृष्टि हुआ, उनमें से हम लोग एक संप्रदाय का अंग बनते जिनका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, हमारे जो मूल गुरु है वो है ब्रह्मा जी। भगवान ने ब्रह्मा जी को जी अपने भगवत ज्ञान बताया था कि मैं किसमें प्रसन्न होता हूँ, मैं खुश किसमें होता हूँ, वो किसको बताया थे, ब्रह्मा जी को बताया। फिर ब्रह्मा जी ने अपना शिष्य को बताने लगे। इस प्रकार के शिष्य परंपरा से भगवान ने अपने विषय में जो चीजें बताए वो शिष्य परंपरा से हमारे पास भी चली आ रही है। उन परंपरा में हमारे गुरुवर्ग भी शामिल है, उन गुरुवर्ग के द्वारा हम लोग उस बात को जान रहे जिस बात को भगवान जगाना चाहते डायरेक्टली। वो हमें कोई बात सारे बोलेंगे जो क्या है भगवान ने बताया। इसीलिए हमारे उन परंपरा में एक विशेष आचार्य हुए जिनका नाम हुआ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। उसी परंपरा ब्रह्मा जी की परंपरा जिनका नाम हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, और उनके कृपा से ही हम लोग, आप ये मानिए कि उनके कृपा से ही हम लोग आज भगवान का नाम सुन भी पा रहे हैं, भगवान कौन है ये जान भी पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी आने से पहले जो भक्त लोग भगवान का भजन करते थे उस समय मठ मंदिर ऐसे नहीं हुआ करता था, उस समय साधु गुरु वैष्णव लोग ऐसे घर घर में जाकर के हमें बताते नहीं थे। उस समय क्या करते थे, साधु लोग लग जाते थे वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में रहकर के भजन करते थे पेड़ के नीचे बैठ करके और माधुपुरी लेकर के खाते थे। हमारे घर में दिल्ली या फरीदाबाद या अपने अलीगांव में ऐसा नहीं आते थे साधु लोग। अगर किसी को अगर जानना है भगवान के विषय में तो वो क्या करते थे, वृंदावन धाम जाते थे, उनको ढूंढ करते कहीं खोजते थे, फिर समय हो तो थोड़ा सा सुनते थे नहीं तो नहीं सुनते। किंतु श्री प्रभुपाद जी जब इस जगत में आए तो उन्होंने क्या देखा कि अरे अगर ऐसे साधु लोग अगर वृंदावन धाम में ही रहेंगे तो क्या होगा, इस जगत के जो लोग हैं इन लोगों का कल्याण होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले 200-300 साल पहले लोग सारे धार्मिक थे, लोग अपने आप से भगवान के विषय में जानने के लिए इच्छा करते थे। अभी कोई इच्छा करता है, बुलाने पर भी नहीं आता, क्यों, टीवी और फिल्म टीवी सिनेमा ये सब चीजें देखने के लिए तो अपने आप से चले जाते ड्रामा देखने के लिए। किंतु भगवान के विषय में सुनने के लिए अगर चाहो, भगवान के विषय में कितने लोग पूछते हैं आपके इस गांव में, कितने लोग पूछते हैं, बुलाने पर भी कितने लोग आते हैं, नहीं आते। तो ऐसे हमारे कुछ बात सिद्ध महाराज जी, कुछ बात पन महाराज जी, ऐसे महाराज जी लोग अगर आपके गांव में अगर नहीं आते तो आपको पता लगता, आप लोग कभी अपने आप से जाते कहीं वृंदावन धाम में भगवान के विषय में जानने के लिए नहीं जाते कभी भी। तो इन लोगों का यहाँ आने के लिए प्रेरणा कौन दिया, सिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ठीक है ना,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने इच्छा किया क्या करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जो बात बोले हैं, पृथ्वी ते आचे यत्र नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हिवे कुर्णा, इस पृथ्वी में जितने सारे नगर हैं, जितने सारे गांव हैं, सब जगह में मेरे नाम प्रचार होगा। कैसे होगा, लोग तो अपने आप से आएंगे, कैसे होगा। इसलिए क्या करना है, महाप्रभु का इस इच्छा को पूर्ण करना है। और विशेष करके ये जो साधारण लोग हैं, इन लोगों को किस प्रकार का कल्याण हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक मंदिर स्थापना किया, एक स्थान बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया गौड़ीय मठ। ठीक है, मंदिर नहीं, उन्होंने नाम दिया गौड़ीय मठ, जिसमें क्या होगा, जिसमें उन्होंने भगवान का स्थापना किया। उनसे पहले मंदिर हुआ करता था, किंतु मठ ले, मठ और मंदिर में क्या अंतर है, मंदिर में सिर्फ ठाकुर जी होते हैं। आप लोगों का गांव उधर भी मंदिर होगा, मंदिर में ठाकुर जी होते हैं, आप लोग जाते हैं माथा टेक करके आ जाते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं आपको कुछ, माथा टेक करके आ गए घर में, किंतु क्या किए, जो भी खाना है खा करके चले गए। और माता कैसे, कौन कैसे प्रणाम किया, कौन भगवान को क्या मांग लिया, ये सब चीजें कोई बताते, माथा टेक के घर में आ गए। किंतु मठ किसे कहते हैं, मठ वो स्थान है जहाँ भगवान भी होते हैं, भगवान तो होते ही होते, उसके साथ साथ भगवान के भक्त होते। जब हम लोग वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, उस भक्त लोग हमें समझाते हैं ये भगवान है। हम लोग पहले मंदिर जाते थे, भगवान को प्रणाम करके आते थे, किसने बताया ये जो भगवान है इनका नाम भगवान क्यों है, कौन भगवान है, हनुमान जी ये भगवान है, इंद्र जी भगवान है, माँ दुर्गा भगवान है, माँ काली भगवान है, कृष्णा भगवान है, राम भगवान, सब खिचड़ी भगवान है, ये तो मंदिर है। किंतु जब हम लोग मंदिर मठ में जाएंगे तो क्या होगा, वहां मठ में जो साधु लोग होंगे वो लोग समझाएंगे इनको भगवान क्यों कहते हैं, भगवान है कौन, इन भगवान को हम सेवा कैसे करेंगे, ये हमसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें कौन बताएंगे, साधु बताएंगे। उस चीज को जानने से ही हम लोग क्या करेंगे, ठीक ठीक रूप से भगवान का सेवा कर भी पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। गए माथा टेके बूंदी चढ़ा दी और क्या किए, हे प्रभु मेरा बेटा ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में पास कर दिया, पति का तबियत खराब है ठीक हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, भगवान से मन्नत मांग के घर चले, ये भगवान का सेवा होती है। भगवान किसे संतुष्ट होते नहीं, तो भगवान किससे संतुष्ट होते हैं, इस बात को कौन समझाएंगे, साधु समझाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किए, गौड़ीय मठ का स्थापना किए, जिससे क्या होंगे, भगवान भी रहेंगे, भगवान के साथ साथ उनके भक्त लोग भी रहेंगे, जो कि भगवान का सेवा का हमें शिक्षा देंगे, भगवान की सेवा हमें सिखाएंगे। फिर क्या हुआ, जो साधारण लोग हैं वो क्या करेंगे, मठ मंदिर में आएंगे, आकर के भगवान का सेवा सीखेंगे। लेकिन तब भी क्या होगा, अब मंदिर तो वृंदावन धाम में है, आप लोग दिल्ली में है, आप लोग तब भी नहीं जा पाएंगे। फिर उसके लिए क्या किया उन्होंने, बोले नहीं, सिर्फ इतना करने से भी चलेगा नहीं, सिर्फ मंदिर मठ बना देने से भी चलेगा नहीं, क्या किए, उस मठ में जो रहने वाले लोग हैं, साधु लोग हैं, उनको बोले आप लोग अभी मठ से निकलो, आप लोग अभी मठ छोड़ करके उन भक्तों के घर घर में जाओ, और उन भक्तों के घर में जाकर के मंदिर बनाओ। मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं होगा, उन एक एक व्यक्ति के घर में जाकर के आप लोग मंदिर का स्थापना करो। इसीलिए हमारे महाराज जी के साथ जैसे साधु लोग क्या करते हैं, हमारे घर घर में आते हैं और हमारे घर को ही मंदिर बना लेते हैं, हमारे घर को ही एक मठ बना लेते हैं, हम लोगों को भक्तों के विषय में सिखाते हैं और हमारे घर में भगवान का विग्रह स्थापना करते हैं। तो ये चीजें हमारे प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने किए, उनसे पहले कभी भी क्या किए थे नहीं, ये सब चीजें नहीं था, हमारे लिए इतना सुयोग नहीं हुआ करता था। हम जैसे व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी नहीं आते तो हम जैसे भक्त लोग क्या करते, कभी भी भगवान के विषय में जाने के लिए नहीं जाते, क्यों, उनके कारण ही उनके शिष्य लोग और उनके प्रशिष्य लोग क्या करते हैं, अभी हमारे घर में आते हैं। हम लोग भी कभी मंदिर में जाते हैं, वृंदावन धाम का परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं। कौन स्थापना किया, कौन प्रारंभ किया इसको, श्री प्रभुपाद जी। नवतीर्थ धाम परिक्रमा अभी आएगा, जाएंगे हम लोग, कौन स्थापना किया, श्री प्रभुपाद जी। हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद भागवतम ग्रंथ और भक्त था उसका क्या हो गया था, लोगों ने इसको उल्टा पल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ऐसा हुआ था, श्री प्रभुपाद जी आने से पहले जो साधारण जनक लोग है वो लोग वैष्णव का नाम सुन सी
क्या होता था, उनके मन में घिन आता था। वो लोग वैष्णव को निंदा करते थे, ये वैष्णव लोग क्या है, बड़े कपटी है, बड़े गलत गलत काम करते रहते हैं। तो पहले लोग ऐसे करते थे, तो श्री प्रभुपाद जी ने क्या किए, आकर के उस वैष्णव जो धर्म है उसका शुद्धता को स्थापना की। ठीक ठीक रूप से वैष्णव किस किस प्रकार से कार्य करेंगे ये सब क्या है, एक टाइम टेबल बनाए, और विशेष करके अपने आचरण करके खुद उसको पालन करके हम लोग को सिखाए कि कैसे उस जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव फिलोसफी, उसको कैसे हम लोग पालन करेंगे, भगवान का सेवा हम लोग ठीक ठीक रूप से कैसे करेंगे। वैष्णव किसे कहना कहते, किसे है वैष्णव, हर किसी को देख करके तिलक लगा दिया, जो लाल कपड़े पहन लिया उसको वैष्णव मान लेंगे, ऐसा बात नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, सिखाया वास्तविक रूप से वैष्णव किसे कहते हैं, और जो वैष्णव बनते हैं उनका क्या क्या कर्तव्य है, खुद किए, खुद पालन किए और क्या किए, हमें सिखाया, अपने शिष्यों को तैयार किए, ट्रेन किए, फिर घर घर में भेजे, आप लोग जाओ लोगों को शुद्ध वैष्णव, सिर्फ कपटी लोगों जैसा नहीं, शुद्ध वैष्णव जो क्रिया है उनको करवाओ, और शुद्ध जो वैष्णव का जो सिद्धांत है उनको सिखाओ, उनको ठीक ठीक वैष्णव मार्ग में आप लोग लेकर जाओ, उनका ठीक ठीक कल्याण करो। ये बात श्री प्रभुपाद जी ने किया। इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी का इतना सारे अवतार है, हम लोग धीरे धीरे हम सब लोग को हमारे गुरुवर के विषय में जानी थी, श्री प्रभुपाद जी हुए और श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी, ये भी उसी परंपरा में, और एक हमारे गुरुवर गुरु है जो कि हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत बन महाराज जी के दीक्षा गुरुदेव है। क्या नाम है उनका, श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने भी उसी परंपरा में, श्री प्रभुपाद जी के ही परंपरा में एक गुरुवर हुए, जिन्होंने क्या किए, बड़े ही विशेष रूप से अपने आचरण के माध्यम से श्रीमद् भागवतम में भगवान ने जो जो निर्देश दिए, जो जो शिक्षा उन्होंने बताया, उसको अपने जीवन में करके दिखा। अगर भगवान ने जो जो बात बोले हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, आदि अनेक ग्रंथ में, उस बात को हम लोग पालन नहीं कर सकते अपने आप से, हमें किसी को सिखाना पड़ता है। तो ऐसे वाले जो गुरुवर आते हैं हमें सिखाते हैं कि भगवान का कैसे सेवा करनी चाहिए, हरिनाम किस प्रकार के करने चाहिए, वैष्णव को किस प्रकार के सम्मान देनी चाहिए, वृंदावन धाम नवदीप धाम का किस प्रकार के परिक्रमा करनी चाहिए, गुरुदेव के प्रति किस प्रकार का हमारा भावना होनी चाहिए, ये सारे जो बात कौन सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये समस्त गुरुवर हैं, इन गुरुवर का अगर हम हमारे जीवन में नहीं आते तो क्या होता, हमारे जीवन में कभी भी शुद्ध भक्ति के विषय में हमें कभी जानने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हम लोग क्या है, अनंत अनंत जन्म तक इन गुरुवरों के ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। और उसके पश्चात शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इसी परंपरा में, श्री गौरी ब्रह्म मध्यो गौरी परंपरा में भी हमारे समूह में उपस्थित हुए। ये सब लोग कौन है, ये सब लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग जैसा, जैसे हम लोगों ने अपने माता पिता से जन्म लिए, अपने कर्म फल जो है वो भोग रहे, कभी कष्ट पा रहे, कभी सुख मिल रहा है, इस किस लिए हमारे कर्म फल भोग रहे, किंतु ये जो हमारे गुरुवर्ग है ये इस प्रकार के नहीं है, ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये लोग साक्षात रूप से भगवान के धाम से ही आए, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से ये लोग आए, किसलिए आए, भगवान ने इन लोगों को भेजा है, आप लोग जाओ और मेरी भी जो जीवात्मा है, जो हम लोग है इस जगत में जो भटक रहे हैं, इनको आप जाकर के ठीक ठीक भक्ति मार्ग का शिक्षा दो, भक्ति की बात इनको सिखाओ, उनको समझाओ और मेरे पास इनको ले जाओ। तो ये लोग हम लोगों को लेने के लिए, यहाँ से लेकर के गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए क्या किए, यहाँ हमारे सम्मुख में आए हैं। हमारे गुरुदेव शिष्य भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जी, इनका भी बड़ा विशेष अवदान है, विशेष करके जो हिंदी भाषी भक्त लोग हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो विचारधारा या जो ग्रंथ पहले हुआ करता था वो किस में था, वो बंगला ग्रंथ में, बंगला भाषा में था। श्री गुरुदेव ने, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने क्या किए, उन समस्त ग्रंथों को बंगला से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किए, हिंदी भाषा में अनुवाद किए। इसलिए आज हम सब लोग जो उन चैतन्य महाप्रभु के विचारधारा को बड़े सरल रूप से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो किस कारण, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का। जय धर्म श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और माधुरी कादंबिनी, भक्ति रसामृत सिंधु आदि अनेक अनेक ग्रंथ
भक्ति पूर्वक ग्रंथ जो क्या कह रहे हैं हम सुनपाल घोषणा भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के ही कारण उनके ही कृपा से हम लोग क्या कर रहे हैं सुनपाल विशेष करते तो हिंदी भाषी लोग और इन्होंने ही क्या किए हमारे इन समस्त महाराज जी लोगों को सिखाया और इन लोगों को ही प्रेरित करके हम लोग के पास भेजे आप लोग जाओ उन लोगों को कल्याण करो। तो इस प्रकार हमारे इन समस्त गौरी गुरुवर्ग हम लोगों पर कृपा आशीर्वाद करें जैसे कि हम लोग क्या करें उनकी दिशा निर्देश से उनके कृपा से हम लोग अपना जीवन को भक्तिमय बनाए और उनके ही सेवा में अपने जीवन को लगा पाए। ठीक है ये कहने के मैं मेरी बाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा श्वेता तुम बोलो गुरुदेव भाई गुरुदेव अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बार बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाह श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला लीन ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति भक्ति श्रील रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जयुक्त हो उपस्थित सब उपस्थित नहीं गुरु परंपरा जयुक्त हो भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को मैं यथा योग्य दंडवत करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग का बहुत सौभाग्य है मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोग इन महापुरुषों की तिथि और श्रील महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इनके चरित्रों को जो कि सहज ग्रहण करने योग्य है इनकी दिव्य शिक्षा जो ग्रहण करने योग्य है उनको श्रवण करके हम लोग मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल पर अभी पता चला कि कल रात को ना 5 डिग्री टेम्परेचर था कितनी सर्दी थी अभी भी सर्दी तो बहुत है। मैं तो यहाँ बैठा था तो इतनी देर तो सर्दी को भगाने का क्या माध्यम है सोचा क्या माध्यम है तो बोले वाणी को गर्म कर लो सदा ही सर्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवत कृपा से इनका ही चरित्र इनके चरित्र को ही जो गुरु कृपा से थोड़ा सुना है इनका ही चरित्र कह करके और उसके ही ताप से हम लोग तापित हो जाएं। देखिए
श्री कुंती जी कहती हैं, जब कुंती जी स्तुति करती हैं भगवान की तो वो क्या कहती हैं, नमस्ते पुरुषम पाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतरमहिरवस्थितम माया जमनिका छंदम मज्ञातोक्षम वज्ञयम् न लक्षसे मूढद्रशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। इसमें क्या कहा है कुंती जी ने, उन्होंने कहा माया जमनिका छंदम मज्ञा दोक्षम वज्ञयम्। उन्होंने कहा ये जो जीव है और भगवान है उसके बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। किसका पर्दा लगा हुआ है? बोले माया का पर्दा। कौन सा पर्दा? माया का पर्दा। जैसे कोई नई नई बहू और कमर तक घूंघट करके मानो श्री राधा गोविंद भगवान के दर्शन के लिए जाए और राधा गोविंद भगवान में भी पर्दा लगा होता है ना। लेकिन कदाचित अगर पुजारी वो पर्दे को खोल दे तो भी हमें दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर कमर तक घूंघट पड़ा हुआ है। तब आशा होती है कि कोई आ जाए और इस पड़े हुए घूंघट को अनावृत कर दे, हटा दे, जिससे हमें भी श्री कृष्ण दर्शन का सत्सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तब प्रतीक्षा होती है कि कोई आ जाए और इस घूंघट को अनावृत कर दे। उसके बाद जब भगवान की महती कृपा से कोई दिव्य महापुरुष आ जाता है और अपने दिव्य वचनों द्वारा, अपनी कृपा द्वारा वो पड़ा हुआ घूंघट, माया का घूंघट जो है उसको अनावृत कर देता है तो भगवान का सहज दर्शन हो जाता है। इसलिए वो महापुरुष कौन है? बोले वो महापुरुष ही सद्गुरुदेव हैं। जब जीव और ब्रह्म के बीच में ये माया का पर्दा होता है तो अपनी वाणी के रूप में वो माया को निवृत्त कर देता है, जिससे हमें भी भगवान के दिव्य गुणों को कहने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये गुरुदेव, ये सत्सौभाग्य हम लोग को कैसे प्राप्त होता है? इन्हीं महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करने का। हनुमान जी जो है, जब श्री भगवान अगस्त मुनि उनको दिव्य दिव्य चरित्र सुना रहे थे, तब भगवान श्री राम जी जो है वो विभल हो गए। उन्होंने कहा ये सब चरित्र तो ठीक है पर मुझे किसी भागवत का चरित्र सुनाओ। तो अगस्त जी ने कहा प्रभु आपको किसका चरित्र सुनाए? तो कहा किसका चरित्र? श्री हनुमान जी का चरित्र सुनाओ। इसीलिए भगवान भी आनंदित होते हैं। कब? बोले जब किसी महापुरुष का चरित्र सुनते हैं। तो जीव तो आनंदित हो गए, इसलिए हम लोग का भी आनंद का क्या स्रोत है? दिव्य महापुरुषों के चरित्र को सुनना ही हमारे कर्णों का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। एक बार कोई विदेशी व्यक्ति वो गाड़ी में बैठ करके और भारत का भ्रमण कर रहा था और वो बहुत बड़ा व्यापारी था, बिजनेसमैन था। तो जब वो भ्रमण कर रहा था तो रात का समय था, गाड़ी में बैठ करके और जा रहा था। अब जब वो गाड़ी में बैठ करके जा रहा था तो बीच में गाड़ी का पानी खत्म हो गया, गर्मी का समय था। अब पानी खत्म हो गया तो रास्ते में वो गाड़ी रुक गई। अब जब गाड़ी रुकी तो उसके बाद ड्राइवर बाहर आया और वो विदेशी व्यक्ति बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसके बाद उसने कहा साहब थोड़ा समय लग जाएगा गाड़ी को सही होने में, क्योंकि गर्म हो गई है गाड़ी। तो कहा कोई बात नहीं। उसके बाद वो व्यक्ति थोड़ा बाहर निकला और सामने जंगल था तो जंगल की तरफ चला। जैसे वो जंगल की तरफ गया तो उसने एक आवाज सुनी, हूं हूं हूं, ऐसी आवाज सुनी। वो व्यक्ति सोचा कि ये कौन बोल रहा है। तो उसने सोचा मुझसे पूछ रहे हैं कि हूं आप कौन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जॉन फर्नांडिस। फिर वो दोबारा उल्लू बोला, हूं हूं हूं। फिर पूछा, ये दोबारा पूछ रहा है हूं, अच्छा पूछ रहा होगा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं एक फलानी चीज का बिजनेसमैन हूं। फिर उसने बोला हू हू हू। फिर पूछा ये और का, पूछ रहा होगा कि मैं कहां से हूं। तो उसने बताया मैं
जब उसको पता चला, जब कई देर हो गई तो उसने ड्राइवर से पूछा, अरे ड्राइवर वो व्यक्ति कोई व्यक्ति है, वो बार बार मुझे हू 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 कर रहा है और मैं उसको बताते बताते थक गया हूँ, आगे क्या बताऊं। तो उसने कहा, साहब ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो उल्लू था। वो विदेशी व्यक्ति भी चौंक गया, ये बार बार मुझसे पूछ रहा है हू हू, और मैं अपना संपूर्ण दृष्टक अपना अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता वास्तव में मैं हूं कौन। और जब उसने विचार किया मैं हूं कौन ऐसा सोचते, जब उसको पता नहीं चला कि वास्तव में मेरी आइडेंटिटी क्या है, वास्तव में हम कौन है, ये हमें कैसे पता चले, तो वो सीधा कहां गया, बोले मथुरा गया। किसके पास? बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास गया। और जब नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास हो गया तब नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उसको बोध प्रदान किया, प्रबोध प्रदान किया। तो आज उससे पूछो हूं तो वो कहता है जी मेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं तो सदा सदा से भगवान का दास हूं। आज वो ये बात कहता है। इसीलिए कौन हम लोग कौन है इसका दृष्टव में कौन देगा? इसीलिए वेद कहता है आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निरिध्यासितव्यः। वास्तव में आत्मा का क्या स्वरूप है? बोले दृष्टव्य, देखना ही स्वरूप है। बोले किसको? बोले केवल एकमात्र श्री कृष्ण को। श्रोतव्य, क्या सुनना चाहिए व्यक्ति को? तो कहा केवल श्री कृष्ण चरित्रस्य चरित्रम श्रोतव्यः। भगवत चरित्र को सुनना ही हमारे कानों की सार्थकता है। दृष्टव्य श्रोतव्य और सुन करके क्या? फिर बोले मंतव्य, उसको मनन करना, फिर निरध्यासितव्य, फिर उसका अनुसंधान करना। यही चरित्रों का फल है। देखिए हमारे श्रील महाराज जी भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव, उन वो ऐसे महापुरुष मानस में लिखा है, उत्तम के असवस मन माही सपने हु अन्य पुरुष ना नाही। कहा है कि उत्तम व्यक्ति का क्या परिचय है? बोले जो अपने अपने पति को छोड़ करके और किसी अपने इष्ट को छोड़ करके और किसी को नहीं देखता, यही उत्तम व्यक्ति की पहचान। इसलिए हमारे जो परम गुरुदेव है भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी, उनका एक ही दृष्टव्य रहा है, क्या? बोले श्री राधा कृष्ण, उनकी दिव्य लीला। हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने देखो, श्री प्रभुपाद जी का गोल मतलब उनका सपना था, क्या उनका निश्चय था, क्या? बोले कि मैं तो, प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं हर एक क्षेत्र में गौड़िया मठ बनाऊं। फिर उन्होंने कहा नहीं, हर एक क्षेत्र में नहीं, मैं हर एक क्षेत्र के गांव में गौड़िया मठ बनाऊं। फिर कहा गांव में ही नहीं, हर एक घर में गौड़िया मठ की स्थापना करूं। तो अंत में उन्होंने कहा हर एक घर में गौड़िया मठ नहीं, मैं तो एक एक व्यक्ति को गौड़िया मठ बना दूंगा। और आज वही हम लोगों ने जो ये तिलक धारण कर रखा है मस्तक पर, ये क्या है? हरि मंदिरम चलम, हरि मंदिर है, ये हरि मंदिर ही तो है, यही वास्तव में गौड़िया मठ है, भगवान का मंदिर ही तो है। गौड़िया मठ कोई घर थोड़ी ना है किसी का, वो तो भगवान का मंदिर है। और हमारे जो तिलक स्थापित हुआ है वो क्या है? बोले वही हरि मंदिर है। इसलिए प्रभुपाद की वाणी जो है बहुत सार्थक होती हुई ही दिखाई दे रही है। इन दोनों महापुरुष भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, इनके जीवन चरित्रों को देखोगे तो सेवा प्रधान जीवन चरित्र रहा है इनका, सेवा प्रधान जीवन चरित्र रहा है। देखो आप लोग अब कहेंगे कि हम लोग सीधा भगवान की ही कृपा क्यों नहीं ले लेते, संत की कृपा लेने की क्या आवश्यकता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान की कृपा है वो संत के अधीन है। तो श्रीम चैतन्य महाप्रभु जो थे, श्रीमद महाप्रभु सबसे पहले जब छोटे थे तो बहुत चंचल थे, तो वो शिवाय जी का मजाक उड़ाते रहते थे बार बार, क्योंकि वो तो साधु थे। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ले ली, जब भी महाप्रभु दीक्षा संपन्न हो गए, उसके बाद एक एक वैष्णव की कृपा मांगते रहते थे। उनसे पूछा यार निमाई, आप तो पहले बहुत शरारती थे, कुछ समझते ही नहीं थे वैष्णवों को, आज आप
संत की कृपा क्यों चाहते हो? तो उन्होंने एक ही बात कही, गोविंद की कृपा वैष्णव की कृपा के अधीन है, इसलिए भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? बोले जब हम संत की कृपा हम पे प्राप्त हो जाएगी। हमारे श्री गुरु महाराज जो आपको आपके सामने दर्शन, आप सभी को दर्शन दे रहे हैं, जब कोई भी व्यक्ति पूज्य श्री नारायण स्वामी महाराज जी के विषय में बताता है तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे गुरु महाराज जी के बारे में बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी के विषय में बता रहे हैं। जैसा उधर वैसा इधर, जैसा उनका दृष्टव्य वैसा हमारे गुरु महाराज जी का दृष्टव्य, सेम, कोई ऐसे कोई फर्क ही नहीं है। श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी, चाहे उनके गुरु भाई का शिष्य कोई उनके पास आ जाए, चाहे गौड़िया मठ के किसी और आचार्य का शिष्य उनके पास आ जाए, वे पुत्रवत होकर के, वे पितावत होकर के पुत्रवत उनका पोषण करते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि ये उनका अमुक का शिष्य है, वो अमुक का शिष्य, नहीं, सबको इकट्ठा लेकर के चलते। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी है, कोई कहीं से किसी कोने में से आ जाए, हमारे महाराज जी सोचते हैं तो भैया हमारा एक बच्चा है और इसलिए महाराज जी पोषण करते हैं। ये बात हम लोगों ने बहुत देखी है, बहुत ज्यादा देखी है, इसलिए ये बात है। सातव सम हरि मय जग देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा। ये प्रमाणित हो रहा है, भगवान से ज्यादा संतों को, संतों के लिए करना चाहिए। हरिते संत अधिक कर लेखा, संतों का दृष्टव्य भिन्न होता है, इसलिए अलग अलग। श्रील भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी जब छोटे से थे, मठ में थे, तो सबसे अधिक सेवा करते थे। आज हमारी दृष्टि क्या है? हे भगवान, सबसे कम सेवा हमें ही मिले, ऐसा रहता है ना, सबसे कम काम हम ही करें, सबसे कम काम हम ही करें, इसलिए हम लोग तो सेवा से जी चुराते फिरते हैं। लेकिन महापुरुष, हमारे महाराज जी कहते हैं कि वो सोचते थे कि मैं किधर किधर से जाऊं कि कोई कोई सेवा मुझको मिल जाए, अपनी सेवा खत्म करने के बाद में, अपनी सेवा खत्म करने के बाद भी सोचते थे। लोग सोचते हैं, देखो संत का क्या स्वभाव है, लोग कहते हैं हे भगवान, हमारा भगवान के नाम में अनुराग कब लगेगा? लेकिन जो संत है, महापुरुष है, वो ये सोचते हैं कि हे भगवान, कभी तो हमें शांति मिले, सदैव हमारे कब ये नाम, कब छूटेगी ये जो नाम की लौ लग गई है, अब कैसे छूटे नाम लो लागी, अब कैसे छूटे नाम लो लागी। और हम लोग हे भगवान कब नाम करेंगे, कब आपका नाम हमें, कब नाम करने की शक्ति होगी, यही हम लोगों में भेद है। इसलिए श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य, इसीलिए यही प्रमाणित है। और रसोई रसोई देखो, जो महापुरुष हमारे श्रील प्रभुपाद के जितने भी आश्रित लोग हैं, यूं सोच लो एक एक व्यक्ति पूरी की पूरी गृहिणी है, एक एक संत पूरी गृहिणी है। अरे जो आप लोग सोचते हो ना, घर के जो साधारण गृहिणी होती है, गृहिणी को क्या करना पड़ता है? बोले भोजन बनाना पड़ता है, कपड़े लगते धोने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आप चिंता मत करो, हमारे गौड़िया में ठा करके देखो, एक एक गृहणाई गृहिणी बना हुआ है, एक एक व्यक्ति छोटा बालक भी गृहिणी है। हमारे यहाँ पे सबको ऐसा एक्सपर्ट कर दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में हम लोग गए, बड़ी बड़ी सिटीज में हम लोग गए, हम लोगों को जब काम करते देखती है ना वहां की माताएं वगैरह, तो पता है क्या कहती है? एक ही बात कहती है, अरे भैया आप लोग को सब कुछ आता है, काश मेरा भी बेटा ऐसा होता तो उसकी बहुत सुख पाती। ये सभी कहते रहते हैं, हाँ सच्ची में, और यू कहती है। और फिर हम लोग काम करते तो हमारे भी तो घर पे देखते है ना कि हमें गौड़ियाबट में कितना एक्सपर्ट बना दिया है, भोजन प्रसाद बनाने में और अमुक चीज करने में, अमुक चीज करने में। तो लोग कहते हैं अरे भाई तेरी बहू बहुत सुख पाएगी, ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में निपुण बना दिया है इन लोगों ने, ऐसे महापुरुषों ने। श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने एक एक व्यक्ति को भगवान की सेवा के योग्य बना दिया है, यही इन महापुरुषों का वैशिष्ट है, यही इन महापुरुषों की दिव्य कृपा है। और तो और भैया इनके विषय में क्या कह सकते हैं, इनके विषय में और क्या कह सकते हैं? देखो भाई, आप लोगों में से ये बताओ, चैतन्य चरितामृतम किसने लिखी? श्री कृष्णदास कविराज ने लिखी ना, चैतन्य चरितामृतम। देखो भाई,
जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृतम को लिख लिया तो वो चैतन्य के चरित्र का अमृत हो गया, और वो अमृत को जब संत लोग परिवेशित करते हैं तो सब लोग अमृत को पी करके अघाते नहीं, अघाना मतलब बोर नहीं होते। ऐसे ही इन महापुरुषों के चरित्र को श्रवण करके हम लोग भी अघाते नहीं और अघाना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे चरित्र हैं, कितना ही बोलते जाओ उनके विषय में, कितना ही बोलते जाओ, कितना ही बोलते। और तो और सो बातन की एक, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। ऐसे भैया हजार बातों की एक बात। हम लोग बड़े अभिमानी हैं, हम लोग गर्व से कहते हैं, लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम ऐसे महाराज जी के शिष्य हैं, हम लोग ऐसे महाराज जी के शिष्य। ये बात का हम लोग को सदैव गर्व है और गर्व रहेगा। हम लोग सांसारिक में भी जय हो हमारी, और हम लोग परमात्मा में भी उनकी कृपा से जय ही प्राप्त करेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर पतन दृष्ट कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव। हरे कृष्ण हरि बोल। तब तरण तुम है, तरण नाम है, तुम पुत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि श्री गौर भक्त। लो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म श्री रूपानुग प्रवर गौड़ीय वैष्णव आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति वरुण श्री वन गोस्वामी गुरुदेव महाराज एवं गौड़ीय वैष्णव कुलभूषण ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति विधान श्री गुरु गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उनकी अहेतु की कृपा की मैं वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति विधान श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की मैं वांछा करता हूँ। तत्पश्चात श्री रूपानुग गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी माता बहन समस्त शोक मंजली भक्त और इस सर्दी में आए बड़े दूर दूर से भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि यथावत दंडवत प्रणाम। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। भगवान की कथा से भी श्रेष्ठ बताइए भगवान के भक्तों की कथा। भागवत सबने सुनी, सात दिन गुरुजी ने बहुत बार सुनाया। भागवत में क्या है, भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा। भगवान के भक्तों की तो कथा है, ब्रज गोपियों की कथा, यशोदा माता की कथा, ध्रुव प्रहलाद, इन भक्तों की कथा है। तो भगवान की कथा से ज्यादा श्रेष्ठ किसकी कथा होती है, भगवान के भक्तों की कथा। और उसमें भी गुरुपाद पद्म का विषय। आज मेरे पूज्य गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज का क्या आविर्भाव, ठीक है। और साथ में एक नहीं, उनके भी परम गुरु जी, उनके भी गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री वामन महाराज, उनका भी आविर्भाव आज मना रहे हैं, और भक्ति वेदांत नारायण महाराज का तिरुभाव। तो इतने वैष्णवों की तिथि हम पालन कर रहे हैं, तो हमारे जैसा सौभाग्य कहाँ होगा किसी का। और इतनी सर्दी में मेरे सारे गुरु बहन देखो कितने दूर से आए, गढ़ी के भक्त, और मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। हमारे आली के नहीं आ पा रहे, घर से निकल के कोई कपड़ा धो रही है, कोई कुछ कर रही है, और ये देखो शुरू से। और सुनो, जिन पे गाड़ी नहीं है वो ऑटो करके आए हैं, जड़ाए मरते, देखो माँ को बोल रही है हमारी जड़ाए मरते, ठीक है।
जगतपुर से भी बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं। तो वास्तव में इनके अंदर जो गुरु निष्ठा, मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी गुरु निष्ठा मेरे अंदर भी हो कि इतनी सुबह सुबह अपना घर का काम धंधे बच्चों को पतियों को सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए, इसलिए कि गुरु जी के मुंह से कुछ हरी कथा सुनने को मिलेगी, इसलिए तो आए है ना। तो आज का जो दिन है ना बड़ा विशेष है, बहुत विशेष। देखो गुरु वैष्णव की तिथि तो हर साल आएगी, ये नित्य काल से चली आ रही है और आएगी भी, लेकिन इसको पालन करने के लिए हम अगली साल रहे ना रहे कुछ पता है किसी का, अगले पल का नहीं पता। इसीलिए यथा चेष्टा हमको अपनी तरफ से प्रत्येक गुरु वैष्णव की तिथि पालन करनी चाहिए, ठीक है। तो इस विषय में मैं थोड़ी सी गुरु जी के यद्यपि मैं अयोग्य हूँ परंतु गुरु पादपद्म की वाणी को जो है चरण चरण करूंगा और अपनी अपनी वाणी को शुद्ध करूंगा उसी के माध्यम से। भैया हरि बोल, इधर उधर मत देखो, थोड़ी देर सुन लो। हरि बोल, बात मत करो, बाबा को खड़े रहने दो, बाबा की जिंदगी तो बेकार हो गई ना, खुद भजन करते ना कथा सुन लेते। बाबा आपका कोई यहाँ है नहीं, आप जाओ कथा हो रही है, जाओ अपना काम। तो भैया शास्त्रों में गुरुजी के बारे में क्या बताया? देखो गुरु भगवान के बराबर है, बताओ जवाब दो, गुरु भगवान के, गुरु कृष्ण के बराबर है क्या? बोलो ना, मुंह से तो बोलो, गर्दन हिला रहे हो, भगवान ने जवाब दिया नहीं है, नहीं है। गुरु भगवान कृष्ण के बराबर है ये मानना मायावाद है, गुरु कृष्ण से भी बड़े हैं, गुरु कृष्ण से भी बड़े हैं, समझे? क्यों? क्योंकि भैया कृष्ण हमारा कल्याण करने के लिए आए क्या? यद्यपि गुरु उनसे अभिन्न है लेकिन गुरु रूप में भेजे ना, तो भैया हमारे लिए तो गुरु ही कृष्ण से बड़े हैं, समझे? अच्छा बोले शास्त्र में एक बात और बताई है गुरु के बारे में कि गुरु जो कृष्ण है ना वो तो दोष देखते हैं हमारे अंदर, कृष्ण हमें हमारे कर्मों के अनुसार देते नहीं देते, लेकिन गुरु कौन है? जो अदोषदर्शी, वैष्णव कौन होते? जो अदोषदर्शी, जो कभी दोष नहीं देखते। तो गुरु कृष्ण से ज्यादा दयालु हुए नहीं हुए? इसीलिए गुरु हमारे सर्वोपरि, अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि गुरु कृष्ण के बराबर, गुरु कृष्ण से भी बड़े हैं, क्योंकि हमारा कल्याण करने के लिए गुरुदेव आए ना कि कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुदेव के रूप में, लेकिन हमारे लिए गुरु सर्वप्रथम है। शास्त्र में बताया प्रथमं तुम गुरु पूजन ततश्चय मम अर्चनम, पहले गुरु की पूजा करो तब मेरी पूजा करोगे, तो कुर्वन सिद्धि मम आप्नोति हि अन्यत् निष्फलं भवेत्, करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। अब सिद्धि का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप बन जरा सब कुछ पता चल गया, पानी के ऊपर चलने लगे, हवाई जहाज में बैठे बिना ही उड़ने लगे हवा में। सिद्धि प्राप्त का मतलब है भक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि का मतलब है भक्ति। गुरु अब बोलते कि गुरु में और वैष्णव में क्या भेद है, बहुत सारे दिमाग में होता है भाई हमारे गुरु तो वो है और हम इन वैष्णव के पास की हो जाए। तो दो तरीका के गुरु शास्त्र में बताए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, जो कि अभिन्न है, कृष्ण ही दो रूप में प्रकटित होते हैं जीव बद्ध जीव के उद्धार के लिए। शास्त्र में बताया है कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे केवा, कि वैष्णव सेवा को छोड़ के किसका उद्धार हुआ है? किसी का नहीं हुआ। कितना भक्ति कर लो, कितना हरि नाम कर लो, यदि वैष्णवों के प्रति हृदय में आदर और गुरु के प्रति ममता, गुरु का ऐसा महत्व होना चाहिए कि गुरु के लिए हमारे प्रभुपाद भक्तिवेदांत श्री वामन महाराज, भक्तिवेदांत श्री वामन महाराज और हमारे गुरु जी पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन महाराज, ये अपने गुरु के लिए सब कुछ छोड़ के ना आए, किसके लिए आए बताओ? कृष्ण के लिए छोड़ के आए ना, अपने गुरु के लिए छोड़ के। कृष्ण जब हमारे हमारे मन में कोई संशय होता है या हमें उद्धार करने के लिए, तो कृष्ण तो सामने नहीं होते ना, हम कितनी भी चिंता में रहे हम गुरु के पास जाते हैं, हमें समस्या का समाधान मिलता है, समझे? इसलिए गुरु वैष्णव की जो तिथि होती है ना ये बड़ी कल्याणकारी होती है। इसमें भी एक चीज बताइए, कृष्ण की जन्म तिथियों की जन्माष्टमी होती है, कृष्ण इस धरती से कब गए कुछ पता है? कोई तिथि पता है कि कृष्ण कब चले गए थे? लेकिन गुरु वैष्णव इतने कृपालु होते कि अपनी आविर्भाव तिथि भी और अपनी अप्रकट तिथि के दिन भी हम जैसे भक्त जीवों को अपनी पूजा करने का मौका देते हैं और हमारे ताकि उद्धार हो। एक समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से
किसी ने पूछा कि आप बोलते हो तृणारोपी सुनिचेर तरोपी सहिष्णु ना अमान्य नमानदेन कीर्तनीय सदाहरि, आप तो इतने तो अमान्य नमानदेन होते हो कि अपना सम्मान नहीं चाहते, दूसरों को सम्मान देते हो, तो फिर भैया अपनी पूजा क्यों करवाते हो? बोला इसमें भी बद्ध जीवों का कल्याण होता है, क्योंकि बद्ध जीव जब वैष्णवों की पूजा करेंगे, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करेंगे, तब उनका कल्याण होगा। समझे? इसीलिए गुरु पार्वती हमसे ये हमें जो है मौका देते हैं कि हम उनके आविर्भाव और तिरुभाव तिथि को पालन करें और इस संसार से निकल जाए, क्योंकि शास्त्र में बताया है वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, वैष्णवों का गुणगान करने से बद्ध जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? देखो, पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो, घर बनाओ सुंदर सा और मर जाओ, ये जिंदगी नहीं है। इसे तो बड़ी आसानी से कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, अपना पेट भी भर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चे जीवो, हम जो जीवात्माएं जो मनुष्य हैं, उनसे पृथक इसलिए कि हम अपना उद्धार स्वयं अपनी बुद्धि विवेक को जागृत करके कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? इसमें बताया कि जो वैष्णव है ना, वैष्णवों के अनुगत हो जाओ। पत्नी जब शादी होके आती है तो पति के अनुसार चलेगी तो पति उसका प्रेम करेगा ना, अपनी मनमर्जी करेगी तो पति उसका प्रेम करेगा। जब हम दीक्षा लेने के बाद गुरुपाद पद्म के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं कि मारी भी राखी भी जो इच्छा तो मार, कि आप गुरुदेव जैसा चाहो वैसा रखो, हमें सुख में दुख में जैसा भी चाहो वैसा रखो, तब तो भगवान के हम प्रिय बनेंगे ना। अब गुरुजी ने माला दे दी, हरे कृष्णा दो माला कर ली, वो भी टाइम एक हाथ में फोन चल रहा है, इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल हो रही है और हरे कृष्णा हो रहा है, ऐसे कल्याण होगा? कृष्ण इतने आसानी से मिल जाएंगे क्या? कृष्ण की प्राप्ति करना कोई साधारण नहीं है, लेकिन बहुत साधारण भी है। कैसे साधारण है? अगर ग्रंथ पढ़ो, चार वेद ठीक है, 18 पुराण, उपनिषद, इतना सब कुछ पढ़ोगे भैया पागल हो जाओगे, बुद्धि में एक चीज नहीं टिकेगी। सुबह क्या खाया दो दिन बाद उसको भूल जाओगे, तो इतने वेद पुराण टिकेंगे क्या? बोले क्या, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया एके आर न करिया मने आशा, मतलब गुरुजी ने जो कह दिया ना बस उसको पकड़ लो। गुरुजी बोल रहे हैं ना कुछ भी करो तो कर दो जो बोल रहे हैं, क्योंकि संसार में सब कुछ तो सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन एक जो गुरु वाक्य है ना उसको अविचारणीय बताया कि भैया गुरुजी ने बोला कर दो, उसमें मत सोचो मेरा क्या भला है क्या बोला है, बस जो बोला है वो कर दो। वास्तव में इन सब चीजों का पालन करने के लिए तिथि जो प्रकाशित होती है, ये हमारा वास्तविक लक्ष्य है। आविर्भाव ये नहीं कि आए प्रसाद पाया गुरु जी चरणों में पुष्पांजलि दी, ये पुष्पांजलि वास्तव में पुष्पांजलि नहीं है। वास्तव में पुष्पांजलि क्या, अपना कि दिल अपना रख दो गुरु जी के चरणों में, कि गुरु जी जो गुरुदेव कहे वो करो। क्यों? अब बोले भैया हम तो कमाएंगे खाएंगे, गृहस्थी है, मेरी मम्मी बात बहुत कहती है हर चीज में, भैया हम गृहस्थी है ऐसे नहीं होती, हमारी गृहस्थी है, हम तो ऐसे करेंगे, तू तो शादीवादी नहीं करी, तू अपना देख ले। भैया गृहस्थी हो या त्यागी हो या ब्रह्मचारी हो, सबके लिए एक ही रास्ता एक ही साधन, यहाँ से आली मोड़ जाओगे तो रास्ता एक ही है ना। राजा जाएगा उसी भी रास्ते से जाएगा, भिखारी जाएगा वो भी इसी रास्ते से जाएगा, तो गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो कोई भी हो, रास्ता एक ही है। क्या? कि गुरु चरणों के प्रति आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का समर्पण नहीं बोला, आत्मसमर्पण बोला है, तन मन धन सबसे। क्यों? सुबह सुबह जब हमारी सुबह होती है ना तो मंगल आरती में सबसे पहले क्या बोलते हैं? बोले संसार दावन निड लोक प्राणाय कारुण्य गणा गणत्वम, क्या संसार दावन से पार होने के लिए तो गुरु कृपा, उसके बाद गुरु पूजा होती है। क्या? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सपना गई है संसार, इतना बोल रहे हैं कि शास्त्र बताया कि गुरु चरण गुरुदेव के जो चरण कमल है ना वही भक्ति करने के एकमात्र साधन है। हम लोगों से बोला जाए ना साधन क्या, कौन बोल देगा भैया माला ले ली हरे कृष्णा करो, साधन नहीं, साधन नहीं है। गुरु की वाणी को अपनी अपने मन में स्थापित करना, गुरु वाक्य अनुसार चलना साधन है। और प्रयोजन क्या? राधा कृष्ण की सेवा किसी जीवन में मिल नहीं पाएगी स्वतंत्रता से। बोला हमारा प्रयोजन क्या? वास्तव में हमारा प्रयोजन है क्या? गुरु की कृपा, गुरु कृपा प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना हमारा प्रयोजन नहीं है।
राधा कृष्ण की भक्ति क्या है हम जानते हैं। राधा कृष्ण जिसको हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं उसकी हम क्या सेवा करेंगे। सेवा करने का मतलब क्या होता है कि जिसकी तुम सेवा करना चाह रहे हो और उसके मन का भाव तुम्हें पता हो और उसके अनुसार तुम सेवा करो तब तो सेवा। अब गुरु जी बोल रहे हैं मुझे मीठा नहीं खाना, मैं मीठा नहीं खाता नहीं, गुरु जी ने खीर लाई थोड़ी सी खाओ। तुम सेवा कर रहे हो ना उनके ऊपर चीज को आरोपित करते हो। वास्तव में गुरु वैष्णव के प्रति अनुगत होके जो भक्ति की जाती है ना वही चरित्र हमारे गुरु वर्गों ने दर्शाया कि बचपन में अपना घर बार छोड़ के भैया घर बार छोड़ के मत जाओ तुम गृहस्थी हो ठीक है अपने घर में रहो। परंतु जिस समय जो चीज जो साधन गुरु जी ने बताया वो गुरु जी के अनुसार होना चाहिए। गुरु जी ने बोला कि अभी 7 दिन पहले 7 दिन की भागवत करके गए कुछ दिन पहले, अब बताओ कितने लोग तिलक लगा के आए, कितने लोग तिलक लगा के आए। वास्तव में इस चीज को पालन करना, गुरु जी ने बोला एकादशी पालन करो पालन करो, ये है गुरु जी की बात को मानने, ये है वास्तविक हमारा साधन। हरि नाम हम नहीं कर सकते, भद्र जी हरि नाम कर ही नहीं सकता, शुद्ध नाम हमारे हृदय में स्फुरित नहीं हो सकता अभी, क्यों हम भद्र जीव है भैया, काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर भरे हुए हैं। अभी बोल रहे ना कि अभी भैया 10,000 रुपए दो किसी चीज के लिए सेवा के लिए, नहीं दे पाओगे क्यों, क्योंकि अभी हमारे अंदर लोभ है समझे, इसलिए हम अभी भक्ति नहीं कर सकते स्वतंत्रता से, और स्वतंत्रता से तो कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। बोले शास्त्र 4 वेद 18 पुराण उपनिषद पढ़ोगे पागल हो जाओगे क्या, नहीं कर नहीं पढ़ कर नहीं समझ सकते क्यों भैया क्यों, बार बार ये जो तिथियां आती है ये हर साल क्यों मनाई जाती है, हर तिथि पे क्यों वैष्णवों का गुणगान करते हैं, इसीलिए करते हैं जैसे 84 लाख योनियों में भटक भटक के हमें बच्चे पैदा करने की खाने पीने की विषय भोगों का करने की आदत रम गई है ना हमारे अंदर। एक बच्चा जब पैदा होता है छोटा बच्चा उसे कोई सिखाता है कि मुंह से दूध पीना, माँ की छाती में लगा हुआ अपना दूध पीना लगता नहीं लगता। एक 1.5 साल का बच्चा उसके सामने ऐसे हाथ करोगे ना आंखें बंद करके डर के रोने लगेगा, प्यार से ऐसे ऐसा करोगे ना वो खेल के हंसने लगता है, क्यों क्योंकि उसका एक जन्म का अभ्यास नहीं हो, कितने जन्मों से इन्हीं चीजों को देखता आ रहा है। इसीलिए तो हम बार बार वैष्णव के मुंह से हरि कथा बार बार वैष्णव का गुणगान इसलिए करते हैं कि हमें इन चीजों में अनुराग उत्पन्न हो जाए, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, गुरु चरण कमल भजमन, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु जी की कृपा के बिना कोई साधन बल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे प्रभु जी बता रहे थे माया का पर्दा, चिराग प्रभु की कथा सुनी सबने, बोले कि माया का पर्दा होता है भगवान के दर्शन नहीं कर सकते ठीक है, तो माया का पर्दा कैसे दूर होता है, आईना तुम देख रहे हो और धूल अगर आईने पर चढ़ी हो तो तुम्हें अपना चेहरा साफ नजर आएगा, भले ही अपने मुंह को कितनी बार भी धो के आ जाओ साफ नजर आएगा, सारे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, ये भी सब हो गए हरी कथा में, नजर आएगा चेहरा साफ नहीं आएगा ना, चेहरा तब साफ नजर आएगा जब शीशा साफ करोगे। इसीलिए भगवान को सामने जब बोल दिया कि कणकण में भगवान है तो भैया कणकण में तो नहीं दिख रहे भगवान, या तो स्पीकर और ईंट पत्थर दिखाई दे रहे इनमें भगवान दिख रहा नहीं, भगवान तो है हमें नहीं दिख रहा, कैसे नहीं दिख रहा, बोला आंखों पर धूल चढ़ी हुई है, किसकी माया की धूल कैसे होगी, चेतो दर्पण मार्जनम भवमाता भगिनी निर्वापनम, लास्ट में बताया परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरि नाम करते 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 अवस्था ऐसी हो जाएगी कि सोते जागते उठते बैठते फिर हाथ में माला नहीं होगी ना अपना हरि नाम चलता रहेगा। उस अवस्था में आने के बाद जब गुरु वैष्णव के चरणाश्रित हो जाओगे तब स्वतः ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, कभी कभी झपकी लगेगी भगवान दिखेंगे भगवान के दर्शन होंगे, तब तो समझो फलीभूत हो रहा है भैया, हरे कृष्णा माला ले ली गुरु जी से मिलना रहा, गुरु पूर्णिमा पे साल में एक बार 100 रुपए प्रणाम दे दी, जय गुरु जी तुम अपने घर और हम अपने घर, ये नहीं है भैया साधन, कोई ये कोई रबड़ी की दुकान नहीं है कि गए 1 किलो कृष्ण दे दो 2 किलो कृष्ण दे दो 1 किलो राधा दे दो, भैया इसके लिए तो साधन गोपियों ने अपना पति पुत्र परिवार बच्चे सब कुछ त्यागे, पर वो एक बात बताओ गोपियों ने त्यागे क्या वो घर छोड़ के कहीं गई, नहीं ना, तो तुम भी तो त्याग कर सकते हो, आसक्ति त्याग करो ना, आसक्ति। प्रेमानंद महाराज जी की एक बात सबने पकड़ रखी है, खासकर मेरे घर वालों ने, ये दूसरों के नहीं कह सकते, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने ये बोला है कि भैया सबसे पहले पति की सेवा करो तब भगवान का नाम जपेंगे, भैया पति को संतुष्ट 27 साल में नहीं करा आप कैसे कर दोगे, द्रौपदी के 5 पति थे, सुनो द्रौपदी के 5 पति थे और कृष्ण, अरे माता तुम्हें चुटकुला सुना दो तो हंसते रहोगे,
तुम्हारे पति से चार बार की कथा मारे को एक बार भी नहीं है, चक्कर काट चले। सुनो हरि बोल, सुनो। द्रौपदी के पास पति थे, ठीक है, लेकिन द्रौपदी से सारे खुश रहते थे। कृष्ण की 16,108 पटरानी, वो कह रही द्रौपदी से, एक बार मिली कृष्ण की पटरानी कि द्रौपदी तेरे 5 पति, तूने सबको खुश कर रखा है, हमारा एक पति हम सारे मिलकर खुश नहीं कर पा रहे, क्या कारण? बोले कि मैंने, तो उन्होंने फिर उसका राज बताया, क्या? बोले मैंने वास्तव में कृष्ण को समर्पित कर दिया सब कुछ, ये मेरे पति नहीं है, मुझे पति रूप में मिले, वास्तव में तो ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इस बुद्धि से पति को पति मानोगे कभी सुखी नहीं पाओगे और ना कभी खुश कर पाओगे। ये सोचो मेरा पति कौन है, भगवान का दास, कमा के ला रहा है, किसके लिए? ठाकुर का भोग लगेगा। ऐसी बुद्धि रख के करोगे तो वो ही चीज तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। वास्तव में प्रेमानंद महाराज जी ये कहना चाहते हैं, भैया संतों की भाषा समझना ना, संतों की कृपा से ही आ सकती है, समझना कोई खेल नहीं है। अभी मैं तुमसे कहूं यहाँ बोर्ड पे लिखो, खड़े हो जाओ, कुछ लिखो, आके बोलो तो भैया क्या लिखे, मैं बोल रहा हूँ कुछ लिखो, बोले क्या लिखे, मैं कह रहा हूँ कुछ लिखो, कुछ तो लिख दो, कुछ काम छोटो की मात्रा, अच्छा कुछ लिखो, समझे? जब मेरी साधारण भाषा तुम नहीं समझ सकते तो भैया शास्त्रों की भाषा क्या समझोगे? उसे समझाने के लिए कोई चाहिए नहीं। स्कूल जाते हो, मैथ का टीचर होता है, तुम्हें डॉक्टरी करनी है, उसके सब्जेक्ट होते हैं, उसे पढ़ाने का एक विशेषज्ञ होता है, नहीं होता? तो भैया जो शास्त्र है ना, वेद पुराण, उनके विशेषज्ञ ये बैठे हैं, इनके पास आओ। कैसे आओ? बोले तद विज्ञानार्थम, जो गुरु जी ने, रवि प्रभु जी ने बताया ना, रवि प्रभु ने, कि अपने आप को आत्मसमर्पण करो सीधा आके। ये नहीं कि गुरु जी अभी कपड़े धोने जा रही हो, थोड़ी देर बाद आके कथा सुन लो, नहीं। गुरुजी के प्रति ऐसा आत्मसमर्पण होना चाहिए जैसा अपना पति अपने बच्चों के प्रति होता है। उनको भूख लगे तुरंत खाना बनाती है, माँ बच्चे के प्रति कितना ममत्व होता है कि बच्चा रोता है, 100 काम छोड़ के जाके बच्चे को गोद में लेती है, लेती नहीं लेती? अरे भैया देते हो ना, तो ये भी होना चाहिए। गुरुजी आए हैं, गुरुजी की कथा कर रहे हैं, 10 काम छोड़ के जाओ, साल के 365 दिन काम करोगे नहीं करोगे? 24 घंटे गुरु वैष्णव की तिथि साल में एक बार आती है, तो इसको तन मन धन देकर, धन ना हो ना तन, तन भी धन ना हो तो मन दे करके पालन करो इसको। वास्तविक पालन करने का जो अर्थ है ना, वो ये नहीं है कि साल में एक बार तिथि आती, नहीं, गुरु वैष्णव की प्रतिदिन तिथि होनी चाहिए, प्रतिदिन अपने मन में ऐसा उत्साह। रूप गोस्वामी जी ने उद्देश्य अमृत में बताया, उत्साह निश्चय धैर्य, तीन चीज भक्ति करने के लिए बहुत जरूरी है, उत्साह, निश्चयता के साथ भक्ति और धैर्य होना चाहिए कि कृष्ण मिलेंगे। 25,000 रुपए कमाने के लिए 25 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद 5 साल जूते घिसते हो, तब जाके क्यों निश्चय होता है ना, भैया मैं पढ़ूंगा तो मेरी इतनी नौकरी लगेगी, मुझे 50,000 महीने का कमाऊंगा। जब एक साधारण जड़ जगत में 50,000 रुपए के लिए इतना निश्चय होता है, तो भैया जब हरि नाम करोगे तो ये निश्चय तो होगा ना कि हमें एक दिन कृष्ण मिलेंगे। एक साल माला करी, उसके बाद माला अलग टक रही है घुंडी पे कहीं भी, कहा है तो ये नहीं पता। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये तिथि हम पालन क्यों करते हैं, इसका दूसरा कारण ये है, एक कारण बता दिया, दूसरा कारण ये है कि जो भक्ति में उत्साह बताया है ना, ये तिथियां हमें उत्साह देती हैं। हम गुरु वैष्णव से मिलते हैं, हम ये तिथि जो है ना, प्रभुपाद क्या देते हैं, सुमेधा तिथि है, इनको क्या बोलते हैं कि ये भक्ति को प्राप्त करने की, बहुत जल्दी प्राप्त करने का ना एक बहुत सरल साधन है। और इन तिथियों पे वास्तविक जब ये तिथि प्रकट होती है ना, तो उस दिन हमें हमारी औकात पता चलती है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़े हैं, कितना हरि नाम करते हैं, हमारा कितना उन्नत अधिकार हुआ है और कितने हम नीचे गए, हमारा कितना गुरु जी के प्रति, वैष्णव के प्रति ममत्व पैदा हुआ है, समझे? वास्तव में ये तिथि इसलिए मनाई जाती है कि हम पहचान सके अपने आप को, भैया हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। पूरी साल पढ़ाई करने के बाद साल में पेपर होता है, नहीं होता एक बार, इसलिए वो पता करता है कि तुमने साल भर पढ़ाई कैसे करी। ये साल में एक बार तिथि आके हमें ये दिखाती है कि भैया तुम भक्ति में कितना ऊपर चढ़े हो या अभी तुम वहीं रुके हुए हो, समझे? इसीलिए ये तिथियां पालन होती है। वास्तविक इन तिथियों का पालन करने का वास्तव अर्थ ये है कि गुरु पाद पद्म जैसे आविर्भूत इस जगत में हुए ना हमारे कल्याण के लिए, मेरे निज कल्याण के लिए, जब मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाएंगे ना, तो ये आविर्भाव मनाना हमारा सफल है, अन्यथा सफल नहीं है, ये एक बाहरी आडंबर मात्र है, समझे? पूज्य पाद बन महाराज बोले कि हमारे गुरु जी का परिचय, कहां जन्म हुआ, पूज्यपाद भक्तिवेदांत महाराज से इनकी दीक्षा हुई, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण महाराज के अनुगत में इन्होंने शिक्षा ली और आज सारे जगत में
ब्राजील की फोटो आते हैं ग्रुप में, ब्राजील को पूरा ब्रज बना दिया गुरु जी ने, पूरे देश को एक एक देश को जाके तार रहे हमारे गुरु जी, पूरे पूरा गुर्जर समाज विदेश में हर जगह जाते हैं। देखो तुम लोग 35-40 साल की उम्र में तुम्हारी कमर से सीधा नहीं हुआ जाता, और हमारे गुरु जी गुरुवर कितनी एज के हो गए और बिना रुके 7 दिन यहाँ भागवत खत्म हुई, अगले दिन से कहीं और शुरू, 7 दिन पूरे होते फिर कहीं और शुरू। अब तुम्हें अगर मैं रोज बोल दूं ना एक ही घर में ऊपर 4 कमरे हैं, हर 7 दिन बाद अपना सामान शिफ्ट करो अलग कमरे में, पागल हो जाओगे तुम कर नहीं पाओगे, तुम एक घर में एक कमरे में से दूसरे घर में सामान नहीं रख पाओगे। हमारे गुरु जी कभी एक जगह विश्राम नहीं करते, 7 दिन की कथा हुई दूसरी जगह गए, फिर वहां से 7 दिन की पूरी करी तीसरी जगह गए, सोचो कितना कष्ट करते हैं, किसके लिए, अपने लिए करते हैं ना, अपने लिए करते नहीं, हमारे लिए करते नहीं, ये भी एक भाई है जीवों का उतार उन्नी, वास्तविक क्या गुरु की, अपने गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, इनका आंतरिक भाव ये होता है कि हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, समझे। उस भाव को जब अपने अंदर ला पाओगे तो समझो शिष्य है, मंत्र सुनने से कोई शिष्य नहीं होता। गुरु के भावों को अपने मन में धारण करना, गुरु की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिला देना ही वास्तव में शिष्य कहलाता है। ये नहीं कि भैया गुरु जी की आए पाल दे दी बस बैठे माला कर रहे हो ठीक है प्रणाम दे दी ठीक है, वो शिष्य कहलाने नहीं है, इसे शिष्य नहीं बोलते। शिष्य का वास्तविक अर्थ क्या है कि गुरु की आत्मा के साथ अपनी आत्मा मिला दे। पत्नी जो शादी करके आती है पति की मर्जी से चलती है ना, अपनी मर्जी से चलती है, आज करके अपनी से चलती है, हमारे मामा बोल रहे हो भोगी है भैया शादी करके बैठे हैं ठीक है, पर क्या पति की मर्जी से चलेगी तब तो वो सही है ना, पत्नी कह रही है पत्नी के लायक है, सती की सभी कहानी सुनी ना तुमने, तो वास्तव में शिष्य को जो गुरु के मन अनुसार चले, हम चल रहे थे गुरु जी के मन अनुसार, गुरु जी ने बोला प्याज लहसुन मिला है। अभी मैं कुछ दिन पहले भी एक दृष्टांत बताता हूँ, हमारी रमनी दीदी भी रश्मि दीदी भी थे वहां थे, तो एक दीदी थी उन्होंने गुरु जी से क्वेश्चन किया, गुरु जी प्याज लहसुन जो लोग खा के हरि नाम करते हैं वो, गुरु जी ने पता क्या उदाहरण दिया, मतलब उत्तर दिया, मुझे बड़ा अजीब लगा उसको सुन के, अच्छा लगा लेकिन मन में एक संकुचित भाव पैदा हुआ। गुरु जी ने बोला कि बद्धजीव के लिए गृहस्थी लोग कहना पड़ता है वास्तव में इसको त्याग के हरिनाम करना चाहिए। अब एक बात बताओ प्याज लहसुन हम नहीं छोड़ पा रहे, कृष्ण बड़े हमारे लिए प्याज लहसुन बड़े, बोले हम तो छोड़ देते सब, औरतों का सबसे पहला सवाल जवाब हम छोड़ते वो नहीं छोड़ते, उनके लिए बनाना वो क्या खड़े होकर देख रहे, वो देख रहे हैं कि तुम बन क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे भैया, बढ़िया से मसाला वगैरह डाल के गुरु जी बोलते हैं चटर पटर बनाओ खिलाओ मजे से। तो मैं अपने गुरु जी का परिचय बता रहा था, ये बाहरी परिचय है उनका कि वो क्या, आंतरिक परिचय जब वो हम पे कृपा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में वो कौन है, गोलोक धाम में क्या उनकी सेवा है, तब तो हमें पता चलेगा। हमारे गुरु जी का नाम क्या है, श्याम प्रभु कहाँ चले गए बाहर है धीरे धीरे सारे, ये हमारे सारे गुरु बहन बैठी हुई है, हमारे गुरु जी का नाम क्या है बताओ, जिनके आदम तिथि पालन कर मास का तक बैठो कोरोना नहीं है जिनको, शिवम गोस्वामी महाराज। इस नाम का अर्थ क्या है चलो बताओ, आप एक मजे की बात बता दो अर्थ क्या है इस नाम का बताओ, वन गुरु जी है ना हमारे, तो नाम का अर्थ पता होगा ना, बताओ अपने अपने नाम का अर्थ पता, गुरु जी का नाम का अर्थ पता होगा बताओ, चलो ये भी ठीक है पर ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, चलो मैं बताता हूँ याद रखना सुनो, वन महाराज के नाम का अर्थ क्या है, हमारे गुरु जी के नाम का अर्थ हर शिष्य को पता होना चाहिए, तब तो शिष्य कहलाओगे, ऐसे गुरु जी के शिष्य नहीं बन जाओगे। हमारे गुरु जी कौन है, पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन महाराज से इनकी दीक्षा हुई, पूज्यपाद नारायण महाराज के अनुगत में इन्हें शिक्षा दी, इनकी जो